The given pie diagram shows the percentage of students in five different universities, A, B, C, D universities हैं। उसमें अगर total students हमें given हो, तो university A में कितने percent student हैं, B में कितने हैं, C, D, E में कितने हैं, ये हमें यहाँ पर given है। Okay? The table shows the ratio of male to female students। हर एक university में कितने male और कितने female students उनका ratio given है। And the percentage of foreign students in every university, total कितने students परसेंटेज जो है, अगर यूनिवर्सिटी ए में स्टूडेंट्स हैं लेट्स से 100, तो उसका 10% फॉरेन स्टूडेंट्स है, राइट। अब क्या है क्वेश्चन, इफ द टोटल नंबर स्टूडेंट्स इज 12,000, ठीक है, टोटल 12,000 है, हमें ये पूछा है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज ऑफ फॉरेन स्टूडेंट्स इन ऑल द यूनिवर्सिटीज टेकन टुगेदर। अब एक एवरेज स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कैसे करेगा, पहले वो ए यूनिवर्सिटी जो है उसमें नंबर स्टूडेंट्स पता करेगा, बी में, सी में, डी में, ई में, फिर वो इसका रेस्पेक्टिव परसेंटेज पता करेगा, इन सबको ऐड करेगा, ये वैल्यू इसका कितना परसेंट है वो निकालेगा, इसकी जरूरत ही नहीं, वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक चीज समझिए, मान लीजिए अगर ये 100 है, राइट, तो कहना इसे ए में 30 स्टूडेंट्स है और 30 का 10% यानी 3 स्टूडेंट्स फॉरेन स्टूडेंट्स है और 100 का 3 होता है 3%, am I right? ऐसे ही ये 25 है और 25 का 12% ये होगा 3, ये है 10% यानी 10, 10 का 15% होगा 1.5, ये है 20% और 20% में 10% यानी 2 और ये है 15% दैट इज 15, तो 15 का 5% होता है 0.75, इन सबको ऐड कर लीजिए, 3 and 3, 6, 8, 9.5 and 10.25 out of 100. So 10.25% foreign students hain. Third option will be my answer. There are 132 foreign students in University B. Hum baat kar rahe hain University B ki. Matlab agar main total 100% 100 leta hoon, to 25% total B mein honge. Aur 25 ka 12% abhi humne kiya tha 3. यानी टोटल का 3% फॉरेन स्टूडेंट्स है, विच इज 132, सो 3 132, ये हो गया 44, सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल यूनिवर्सिटीज पुट टुगेदर इज 44। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटी डी। ओके, यूनिवर्सिटी डी ये रही, तो यूनिवर्सिटी डी में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 4400 का 20%, पहली बात। ओके, अब हमें मेल और फीमेल का डिफरेंस निकालना है, ये है 3:5। नाउ बी केयरफुल, कैन आई से मेल है 3/8 और फीमेल है 5/8, तो इन दोनों का डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा तो वो होगा 2/8 दैट इज 1/4, तो मैं सीधा इसका 1/4 निकाल, 4 goes into 4400, 1100 time. 1100 का 20% कैसे निकालेंगे? अगर आपको मालूम है कि 1100 का 10% होता है 110, तो 20% होगा उसका डबल, यानी कि 220. First option will be my answer. मैं यहाँ पर ये सॉल्व नहीं करूँ. If the total number of students in all the universities is 8,000. Then what is the approximate percentage of foreign students in University C to the total number of male students in B and D? मतलब ऊपर तो मुझे चाहिए foreign students in University C and नीचे चाहिए male students in University B and D. ये इसका कितना percent है? ये हमसे यहाँ पर पूछा। 8,000 का 25% होता है इसका 1/4, यानी कि 2,000. 2000 में मेल और फीमेल 3:7 है, तो मेल हो गए 3/10, यानी कि मेल हो गए 600, तो बी में मेल तो हो गए 600. व्हाट अबाउट डी में? डी में 20% है, 8000 का 20% होता है 1600 और 3/8, अगेन इसका 3/8 निकालूंगा तो 1600 अपॉन 8 हो गया 200 इनटू 3, ये भी 600 हो गया, करेक्ट। और न्यूमरेटर पे क्या होगा, मुझे सी में फॉरेन पता करने हैं, सी में कुल कितने हैं 10% यानी कि 800 और इसका 15% अगर मैं निकालता हूं, 800 का 10% 80, 5% 40, दोनों को ऐड किया 120, तो ये 120 upon 1200 is nothing but what,
if the difference between the number of male and female students in university total का 15% यहाँ पर है और ये रेशियो है 5:7 का. तो मेल स्टूडेंट्स हो गई 5/12, फीमेल स्टूडेंट्स हो गई 7/12, दोनों का डिफरेंस 2/12 यानी 1/6. तो टोटल को अगर मैं टी मान लेता हूं, चलिए समझने के लिए एक बार, तो उसका 15% है यूनिवर्सिटी ई में, और इन में अगर मैं 1/6 निकाल दूं तो ये मेल और फीमेल स्टूडेंट्स का डिफरेंस आ जाए, और ये हमें क्या गिवन है, दिस इज 80. ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो हम टोटल की वैल्यू यहां पर इमीडिएटली कैलकुलेट कर सकते हैं. ये 100 हो चुका है, 6 2.5 टाइम्स, 2.5 गोज इनटू 100 40 टाइम्स, तो टोटल हमारे पास हो गया है 3200. ओके, देन द टोटल नंबर ऑफ फॉरेन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज ए एंड डी. ए में है 30% और 30 का 10% ये हो गया 3. डी में है 20% और 20 का 10% हो गया 2. तो टोटल का 5% इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर. 3200 का 10% होता है 320, तो 5% इसका हाफ होगा 160. थर्ड ऑप्शन इज माय आंसर. द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ बर्थ्स रिजर्व इन डिफरेंट क्लासेस इन अ ट्रेन ऑन 5 डिफरेंट डेज. 3 डेज यहां पर लिखे हुए हैं, अलग अलग हमारे यहाँ पर क्लासेस हैं, AC 2 टायर स्लीपर, AC 3 टायर स्लीपर. ठीक है, the capacity of each class is given in the brackets. यहाँ पर 200 की capacity है, 400, 400, 200, 800. तो टेबल में अगेन समझने के लिए मेरे पास कुछ खास नहीं है. जैसे मंडे को यहाँ 180 सीट्स AC 2 टायर स्लीपर में जो सीट थी वो रिजर्व थी आउट ऑफ 200. What is the difference between the percentages of reservations in AC 2 टायर स्लीपर? AC 2 टायर स्लीपर मैं इसकी बात कर रहा हूँ, एंड नॉन एसी सेकेंड क्लास स्लीपर, नॉन एसी सेकेंड क्लास स्लीपर मैं इसकी बात. तो फटाफट यहां पर सिर्फ हमें ऐड ही करना था और कुछ भी नहीं था. 18 एंड 16 ये हो गया है हमारा 34, और ये दोनों है 32 और 18 50. तो 50 एंड 34 ये हो गया 840 आउट ऑफ 200 इंटू 5 1000. So can I say this is 84%? Okay. What about this case? यहाँ पर अगर हम ऐड करें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं पहले. देखिए 20 और 80, ये 100 इधर ऐड कर दिया तो ये दोनों हो गया 1400 और 600 मिलाया तो ये 2000. 26 एंड 5, 3190 आउट ऑफ 4000. ठीक है, कितना परसेंट होगा अगर हम ज्यादा ध्यान से देखें यहाँ पर. सो मेजरली हम इस पे फर्स्ट फोकस करेंगे, ये ऑलमोस्ट 80% के आसपास आएगा आंसर. तो 47 टाइम्स 28 39, 49 टाइम्स 36, 3 लेफ्ट 75. सो दिस विल बी 79.75%. और अगर मैं इसका और इसका डिफरेंस निकालता हूं तो ये होगा 4.25%. सेकेंड ऑप्शन विल बी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. Considering all the days and all the classes, how many times was the number of berths reserved 90% or more of the capacities of the different classes? 90% या ज़्यादा चाहिए. 200 का 90% होता है 180. 400 का 90% 360. यहाँ पर भी 360. 200 का 90% 180 और 800 का 90% 720. We are looking for values 180 and above. यहाँ पर 360 and above कोई भी नहीं है. 360 and above कोई भी नहीं है. 180 and above एक है, 720 and above एक है. So total how many? 4. My answer will be third option. Of the 5 days, on which of the following days was the percentage of reservations the least? Percentage of the reservations the least. मतलब basically मुझे और कुछ नहीं करना, कोई percentage नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ summation चाहिए, right?
कोई शॉर्टकट तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मैं विजिबली इसको कंपेयर करूं, जैसे मान लीजिए इसको इसको कंपेयर करूं, मंडे ट्यूसडे को, तो ये 20 ज्यादा है पर ये 40 ज्यादा है, ये कम है ये कम है ये कम है, सो ट्यूसडे के नॉट बी माई आंसर. मैं एक्चुअल में एड ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ. 180 150 में वो 30 ज्यादा है, पर यहाँ ये 60 ज्यादा हो गया, अब ये ज्यादा हो गया है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है, दिस के नॉट बी माई आंसर. लुक एट दिस वैल्यू, 180, 170, अभी वो 10 ज्यादा है, पर यहाँ आते ये 20 ज्यादा हो गया, और रेस्पेक्टिवली सभी जगह ये ज्यादा है, सो दिस के नॉट बी द लोएस्ट. एंड सेम लॉजिक, ये तो सेम हो गया, और यहां से आप कंपेरिजन अगर करेंगे हर एक वैल्यू का, तो ये ज्यादा है, दिस के नॉट बी द लोएस्ट, सो लोएस्ट हैज टू बी वॉट, मंडे. Considering all the days and all the classes, how many times was the number of berths reserved more than 70% equal to, nahi, more than but less than 80%. 200 ka 70% 140, 80% 160. Iske beech mein chahiye, ye dono bhi kaam ka nahi hai. Koi values hai yahan par hamare kaam ki? Yes. 150, 160 kaam ki nahi hai, yaad rakhi. 400 ka 70% 280, 80% 320. Iske beech mein mujhe kuch chahiye. 280 और 320 के बीच में आई हैव गॉट 300 हियर, बाकी कोई भी मेरे काम का नहीं है. अगेन 280 320 ढूंढ रहा हूं, तो 280 और 320 के बीच में आई थिंक ये एक नंबर है, बाकी कोई भी काम का नहीं. 200 अगेन 140 160 के बीच में, तो 140 160 के बीच में आई एम लुकिंग फॉर, सो 150 इज द नंबर, 160 मेरे काम का नहीं है. 800 का 70% 560 और 80% 640, इन दोनों के बीच में, राइट, 550 640 600 आई थिंक ये काम का है, बाकी कोई भी काम का नहीं है. सो हाउ मेनी, 1 2 3 4 5, थर्ड ऑप्शन विल बी आंसर टू माय क्वेश्चन. द ग्राफ बिलो शोज द रेशियो ऑफ इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स टू एक्सपोर्ट्स, ध्यान रखिएगा, for two companies A and B over 4 years, 2016, 17, 18, 19, company A ये blue वाली है, तो मैंने इसको यहाँ पर A लिख दिया और इसे company B लिख दिया, so company A and company B, ताकि गलती ना हो, और import और export का ratio है, okay, years given है, और कुछ सीखने के लिए मेरे पास यहाँ नहीं है. If the imports of company B in each of the 2017 and 19 was rupees 264 crore, okay, 2017 में company B में import और एक्सपोर्ट का रेशियो है 1.1, यानी अगर ये 11 है तो ये 10 है, 1.1 को हम लिख सकते हैं. यहां हमें इंपोर्ट 264 गिवन है, तो क्या आप ये वैल्यू निकाल सकते हैं? 11 2 टाइम्स 24 22 44 11 4 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 240. व्हाट अबाउट 2019? ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है 1.2, 1.2 को मैं लिख सकता हूं 12/10, और इंपोर्ट यहां मुझे 264 गिवन है. 12 2 times 24, 2 left 24, 12 2 times, so ये हो गया 220. Question पूछा है, how much was its average exports in these 2 years? 240 और 220 का average होता है 230 crores, third option is my If the combined imports of companies A and B in 2016, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, combined import हमें given है 178.5, okay, and the exports of A in the same year was 85 crore. A कौन सी कंपनी है? ये वाली, ये है A और ये है हमारी B. तो कंपनी A जो है उसका एक्सपोर्ट हमें 85 crores की बन है. एक्सपोर्ट इज इक्वल टू 85. नाउ इंपोर्ट अपॉन एक्सपोर्ट का रेशियो हमें कंपनी ए के लिए गिवन है 1.2, तो कैन आई फाइंड आउट द इंपोर्ट? 85 इनटू 1.2, ना ध्यान रखिए यहां पर थोड़ा परसेंटेज आ जाए तो कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है. कैसे? 1.2 इसका मतलब है 120%, तो 100 प्लस 20% करना है, 100 तो 85 खुद हो गया, इसमें 20% ऐड करना है, इसका 10% 8.5 और 20% उसका डबल यानी 17, 85 एंड 17 अगर मैं ऐड करूंगा तो आई विल गेट 10. तो एक्सपोर्ट 85 हो गया है, इंपोर्ट हो गया है 10. टोटल इंपोर्ट कितना है? 178.5. तो यहां पर इंपोर्ट कितना होगा? दिस माइनस दिस, यानी कि 76.5.
अब जरा क्या कैलकुलेशन करनी है, बी के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है 0.9, तो इंपोर्ट है 76.5, एक्सपोर्ट मुझे नहीं मालूम है और ये है 0.9. कैन आई रिमूव दिस डेसिमल? 9, 8 टाइम्स 72, 9 5 टाइम्स, तो ई की वैल्यू 85 करोड़, दैट इज सेकंड.